हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं अपने फाइकस के प्लांट को दिखा रही हूँ आपको। देखिए ये कितना अच्छा हरा भरा हो गया है। और ये बहुत ही छोटा सा प्लांट था जब मैंने इसको लिया था। और इसमें कभी कभी वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल नहीं हो पाती है। ज़्यादातर प्लांट में मैं जितने भी हमारे पास प्लांट्स लगे हैं, पौधे लगे हुए हैं, तो उनमें मैं वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब टाइम एक निकल जाता है, एक कुछ टाइम के बाद जब वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत होती है और कहीं पर दूर जाने का मन नहीं है या फिर हमें दूर जाके लाना पड़ता है, तो काउडंग, तो खाद, गोबर की खाद तो हमारे पास में भी आगे जाके डेयरी वालों के पास आगे मिल जाती है, तो मैं वहीं से ही ले आती हूँ। तो जब मैंने खाद का भी डाल के देखा इसमें गमले में, तो इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिले दोस्तों। क्योंकि कभी कभी हम ये देखते हैं कि नहीं सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ही डालें। वर्मी कंपोस्ट तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर गोबर की खाद आसानी से अवेलेबल है तो वो भी आप डाल सकते हैं। इससे भी पौधों में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। या फिर जो किचन वेस्ट की कंपोस्ट बनाते हैं वो भी डाल देते हैं, तो इससे क्या है कि शाइनिंग आती है पत्तियों में और पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। गमले में लगे होने के बावजूद भी शाइनिंग आती है। कहते हैं कि ज़मीन में लगाने के बाद ही पौधा बहुत अच्छा हरा भरा रहता है, शाइन करता है, लेकिन गमले में भी अगर हम अच्छी केयर करते हैं तो ये पौधा शाइन भी करता है। और कोई भी पौधा हो, सभी अच्छे से जो है वो ग्रो करते हैं। दोस्तों, ये बड़ा गमला है, मैंने खाद डाली हुई है और इसमें मैंने कनेर का भी प्लांट छोटा सा लगा दिया था। बाद में मैंने सोचा ये बड़ा गमला है तो दो प्लांट चल जाएँ, क्योंकि बर्ड्स भी आती हैं और फाइकस के प्लांट के आसपास तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी है। वैसे भी बर्ड्स आती हैं, इन्हें बहुत पसंद करती हैं। तो ये मेरा फाइकस का प्लांट इस तरह से बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।